नमस्कार, हम लोग हैं जवाहर नवोदय विद्यालय गाजियाबाद में, और ये देखिए यहाँ पे स्काउट के बच्चे खड़े हुए हैं। और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं साइंस, जो नेशनल लेवल साइंस जूनियर साइंस कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है। कौन है कमांडर? ये ना जी, ना सर, सर वो जो चश्मा लगा लिया। अच्छा कमांडर सर। अरे यार, अरे को स्वागत के लिए इन्होंने बनाया हुआ है आज ये यहाँ का स्टाफ जैनवी गाजियाबाद का। और ये शिफा वगैरह का है, हेड कुछ शिफा ये सब का है। हेलो हेलो, इतने टाइम हेलो। ये स्काउट का बच्चा कौन सी क्लास का है? 7 सर। हेलो 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 ये अपना डिब्बा है ना, इसको नीचे रख के जाना। ये है एकेडमिक बिल्डिंग, और उसके साथ ही ये ग्राउंड लगा हुआ है। ये है ग्राउंड जैनवी गाजियाबाद का खेल प्रांगण, इसमें लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है खेल प्रांगण। और ये इतना बड़ा नहीं है ग्राउंड, बहुत ही छोटा है और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये बना भी नहीं है, बस ग्राउंड है। कि दो वॉलीबॉल कोर्ट हैं, एक वो फुटबॉल का है। आगे देखें तो अच्छा ग्राउंड नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये ग्राउंड है। ये पूरी होगी एकेडमिक बिल्डिंग, क्योंकि नया स्कूल है तो एकेडमिक बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है। सामने जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है, और सामने ये जो मकान दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, ये क्वार्टर्स हैं। वो जो सामने दिख रहे हैं वो टीचर्स क्वार्टर हैं। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। और ये होगा स्कूल, अंदर तो देखो ऐसे ही क्लासेस हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा साइंस जूनियर साइंस कांग्रेस जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। ये देखो अभी भी टूटना भी शुरू हो गया, और पेड़ पौधे ठीक लगाए हैं, जामुन हो गया,
ये सजावट वाले हो गए, थोड़ा अच्छा किया है उन्होंने। ये गर्ल्स हॉस्टल है, सामने मैस, सामने मैस है, और ये है रहने का स्थान, टीचर्स क्वार्टर्स साइड है। ये पूरी मैस हो गई सामने पूरी, ये हो गया स्कूल। ठीक है, स्कूल अच्छा है, लेकिन इसको फिर भी बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। अच्छा है मतलब बेहतर है। हमारे पीछे टीचर्स क्वार्टर हैं, दिल्ली गर्ल्स हॉस्टल है, और में एक और बास्केटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल के यहाँ पे दो तीन ग्राउंड हैं शायद, इसका मतलब है यहाँ बास्केटबॉल ज़्यादा बच्चे खेलते हैं। और चूँकि ये जो गाज़ियाबाद नवोदय बना हुआ है, ये नवोदय बना हुआ है किसी खेत पे, खेत पे ज़मीन ली, वहाँ पे नवोदय को बनाया गया है। इस वजह से इस नवोदय पे अगर हम देखें तो अभी भी अगल बगल पूरे इलाके में खेती ही होती है, गन्ने ही होते हैं, घास वास ज़्यादा रहती है, तो ऐसा इलाका यहाँ पे चुना गया चूँकि गाज़ियाबाद ऐसा ही क्षेत्र है। लेकिन फिर भी नवोदय अच्छा है। ये देखिए पीछे बच्चों के हाउसेस हैं, पीछे बॉयज़ हॉस्टल है, और इस साइड गर्ल्स हॉस्टल है, और ये जो रही ये पूरी एकेडमिक बिल्डिंग है, और ये जो है ये पूरा मैस रहा। ये भी ठीक है, अच्छा है। इस नवोदय विद्यालय में लाइट बहुत जाती है, एक चीज़ मैंने बिल्कुल देखी, लाइट बहुत ज़्यादा जाती है तो जनरेटर ही ज़्यादातर चलता है, लेकिन ठीक है लाइट देते हैं। ये पेड़ हो गया, ये देखिए 2006 में इस नवोदय विद्यालय को बनाया गया था, इस बिल्डिंग को। इससे पहले ये गाज़ियाबाद नवोदय था नहीं, या फिर किसी अदर साइट टेम्परेरी साइट्स में चल रहा था, इसकी जानकारी चूँकि नहीं है, लेकिन ये 2006 में बनाया गया है। ये पूरा क्योंकि हम लोग साइंस प्रदर्शनी जो यहाँ पर लगी हुई है उसके लिए आए हैं, इसलिए हर जोन के कुछ उन्होंने झंडे कलरफुल झंडे लगाए। ये देखिए सामने जनरेटर भी चल रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है। यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी है, पार्किंग फैसिलिटी दी हुई है। और सामने प्रिंसिपल हाउस और गेस्ट हाउस और बॉय हॉस्टल का, इसमें हम लोग रुके हुए हैं। ये स्कूल का मुख्य दरवाजा, मुख्य गेट, और ये है जिसके लिए आए हम लोग, राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान गणित पर्यावरण प्रदर्शनी 2023, इसके लिए जगह पे हम आए हुए हैं। और ये पूरी क्लासेस और एकेडमिक बिल्डिंग, ये वाला अच्छा लगता है, यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी ज़्यादा है, पेड़ अच्छे हैं, और थोड़ा साफ सुफ सा दिखता है, तो ये थोड़ा सा
मज़ेदार है, अच्छा है। गेस्ट हाउस है अतिथि भवन, ये वार्स हॉस्टल बालक छात्रावास, आगे लिखा है प्रिंसिपल आवास। यहाँ से जाएं तो सामने वो मैस आ गई, और यहाँ देखें तो वो पूरा बॉयज हॉस्टल। कटाई छटाई कर रहा है, एक नया हॉस्टल बना है जिसका आपका लोग उद्घाटन किया है विनायक गर्ग जी द्वारा। और इसके पीछे क्या है, ये देखिए यहाँ से ये बाउंड्री नवोदय विद्यालय की ख़त्म हो जाती है। ये देखिए ऐसी मिट्टी है यहाँ पे, पूरा चुकी है, जोड़ों मिट्टी का क्षेत्र है, एलवल सॉइल का क्षेत्र है। ये देखिए यहाँ पे हाउसेस बने हुए हैं कुछ, ये है पूरा, ये नया हॉस्टल बना, एक पुराना था एक, और ये नया नई बिल्डिंग बनाई हुई है। और यहाँ के बाद ये गांव, ये है यहाँ की मैस, और ये जा रहा है बंस। कैसी लगी तुझे मैस? ये मैस है, यहाँ पे ऐसे ओपन स्पेस में इस बार काउंटिंग हो रही है। ये यहाँ से नवोदय विद्यालय में अंदर जाना है। यहाँ पर हमने कुछ स्टैचूस बनाए हुए हैं, और ये कौन ले जाएगा पंखा? क्या पता गेस्ट कोई लेके हो उधर की साइड में। भाई क्या ये पंखा नहीं है, पूछो स्कूल वालों से, क्या पता स्कूल स्कूल में है। हाँ नहीं जाएगा तो नहीं। ये राष्ट्रीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरणीय प्रदर्शनी 24-25, और ये अब आज स्टार्ट होने वाली है। ये देखो क्या तोड़ लिया बालक, अच्छा अच्छा टावर लगा दिया। ये देखिए ये है, ये कौन सी क्लास का बालक है? ये देखिए ये है जेन बी
गाजियाबाद। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गार्डन बना रखा है। ये देखिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ का ग्राउंड दिखाता हूँ। यहाँ तो ग्राउंड अच्छा नहीं है, ये है यहाँ का ग्राउंड। ये यहाँ के मास्टर, ये हैं यहाँ के हॉस्टल, ऐसे होते हैं हॉस्टल। ये थोड़ा नया बना है जिसका अभी उद्घाटन ही हुआ है। और ये है अंदर से हॉस्टल, थोड़ा सा साफ है, ये देखिए। और ये लिखा हुआ है शिलोंग जोन और पुणे जोन, यहाँ पे रुका हुआ था और मैं पुणे जोन को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे। ये देखो लखनऊ और पटना और जयपुर जोन यहाँ रुके हुए थे, यहाँ की हाउस है।